किसको वोट दिया? बल्ले को। बल्ले को दिया तो बल्ले में सलमान नईम साहब को दिया? नहीं नहीं साहब, बल्ले को दिया। बल्ले को वोट दिया था, आपको वोट किसको? आपकी बल्ले को देंगे। मुझे ये बताएं कि सलमान नईम साहब आजाद थे लेकिन बाद में पीटीआई को ज्वाइन किया, 3.5 साल में हल्के में आए। जो आदमी अपने लीडर की बात नहीं मानता ना, आगे उसको टिकट नहीं मिला, आजाद खड़ा हो गया, पार्टी को नुकसान होता है, ऐसे पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन वो फिर है ना, नॉन लीग रल के बीच में इसको जिता दिया और फिर ये लोटा बन गया। पहले इधर से पैसे ले, इमरान खान से पैसे ले लिए, फिर उधर से पैसे ले, इमरान खान से भी पैसे ले? नहीं, उधर से इसे जो है ना इनका वो बड़ा लीडर जहांगीर तरीन, हाँ वो इनको वो जहांगीर तरीन साहब कोई फंडिंग नहीं, वो मंडी लगाता है ना इनकी, इनको सारे को इकट्ठे करके बेचता है, आप भी मुनाफा कमाता है, इनको मुनाफा देता है, आवाम बेचारी गरीब वो पीसती है महंगाई में। अब आटा कितना महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। अब ये बताएं, मुझे ये बताएं कि जब सलमान नईम आता है कंपेन करने या वैसे उसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद होती है? मैंने सुना है बच्चों से कि दो गड्डियां होती हैं, एक आगे एक पीछे। पुलिस के नौजवान कितनी तादाद में मौजूद होते हैं? 10-15 होते हैं तकरीबन 10-12 तो होते हैं ना। उन्होंने कहा है कि अगर 10-12-14-15 मेरे साथ अगर पुलिस के एहलकार मौजूद हो सिक्योरिटी के लिए तो मैं बायकॉट कर दूंगा इलेक्शन का, मैं सीट छोड़ दूंगा। ये तो झूठ बोलते हैं, बायकॉट किसने करना है? कल सुबह से भी कह रहे हैं बायकॉट कर दूंगा, अब उस सीट को चिमड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी अगर ये साजिश साबित हो गई है मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, साजिश साबित हो गई है? उसका तो ये कहना है कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। ये सच्चे बोलते, ये सच है? वो कहते हैं मेरे साथ बेगाना सुलूक किया। अरे सारे है ना, हमने पीपल पार्टी को वोट दिया, पहले जुल्फकार अली भुट्टो को वोट दिया है, उसके बाद नवाज शरीफ को वोट दिया है, 1980 से हमने वोट देते आ रहे इनको, 71 से 70 से। अब ये देख लो गलियां ना, मैं इधर 1996 में इधर शिफ्ट हुआ था, अब हमारी गलियां इन्हें बांग्लादेश बना दिया। अच्छा मुझे ये बता, ना हमारा यहाँ कोई गटर है, ना कोई सीवरेज है, ना बिजली का कोई खंभा है, ये 5 गलियां आप देख लें, इसमें कोई तरक्याती काम नहीं है। अपनी मदद आपके तहत अगर मीटर लगवाना हो ना, 7,000 का खर्चे पर वो 20,000 रुपये लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तार जो पड़ती है, लंबी तार जो होती है वो। मुझे ये बताएं कि अगर आप ज़ैन कुरैशी साहब से मिलना चाहे तो वो इजीली मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है? वो जी हमने आना काम लेना उनसे मिलने का, हमने मतलब किसी काम के सिलसिले में मुलाकात करना चाहे तो इजी एक्सेस है? बिल्कुल, वो सपोर्ट करते हैं। और सलमान नईम साहब से मुलाकात इजी? नहीं, हम कभी गए नहीं उसके पास, उसकी कबीना सही नहीं है। कबीना नहीं मिलने देती? नहीं, वो खुद मिलना चाहती है। वो खुद जब अंदर ही नहीं जाने देते, मिलने का क्या मना किया हुआ है ना, जहर है। अच्छा मुझे ये बताया कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो बल्ले को वोट? इंशाल्लाह हम बल्ले को वोट देंगे, पहले इन लुटेरों को वोट बहुत दिए, सारी पार्टियों को वोट दिया, लेकिन अब बल्ले को वोट दिया है ना, अब इसने सब महमूद ने काम कराया है, इसने ये नहीं देखा मेरी पार्टी के लोग हैं, ये मेरी पार्टी का इलाका है, हर गली में इसने पैप गैस के पुआए हैं और पानी वाले पैंप वही है, दोनों डलवाए दोनों। अच्छा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे मौजूदा इस कदर महंगाई? इसने तो महंगाई की हद कर दी, आवाम का पानी काट दिया, बिल्कुल सुकून तो रहा नहीं, अब पानी काट दिया।